सर वेदांत भक्ति में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। आप पहले सबसे हम आप सब लोग का धन्यवाद कह रहे हैं कि कम से कम आपने हमारे विचारों को व्यक्त करने का मौका दिया, तो आप लोग को अपने हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम लोग यहाँ पे दवा का जो है प्रचार प्रसार इस प्रकार से कर रहे हैं कि अपने प्रधानमंत्री के द्वारा ये एक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की योजना चलाई गई है जो पूरे हिंदुस्तान में अच्छे से विस्तार से चल रही है। उसी के तहत हम लोगों ने यहाँ पे एक शरण मेडिकल स्टोर के नाम से दुकान खोली जो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ब्रांचेस उसके खोले हैं। उसकी जो मुख्य वजह है कि वो कम से कम कीमत पे वो हर गांव गली कोने में गरीब व्यक्ति को वो दवा उपलब्ध करा सके, और दवाइयाँ अच्छे से उपलब्ध होने के वजह से वो तबका जो छूट जाता था, जो दवा से वंचित रह जाता था, उन सभी लोगों को वो दवाइयाँ उचित रेट में मिल सके, कम कीमतों पे मिल सके। तो प्रधानमंत्री जन औषधि के ही पैटर्न पे हम लोग शरण मेडिकल स्टोर चला रहे हैं। झांसी में भी हमारी कई ब्रांचेज हैं, इसके अलावा गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया कई जिलों में हम लोगों ने उसकी ब्रांचेस खोल रखी है। उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति को दवा सस्ती कीमतों पे मिले, एक बात। दूसरी बात ये है कि ऐसे बच्चे जो बेरोजगार घूम रहे थे, उन दवा की दुकानों के माध्यम से उनको रोजगार भी मिल रहा है। भारत सरकार हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, इस वजह से ये सोच करके कि बहुत सारे परिवार के लोग भी हमारे इस योजना से जुड़ेंगे, उनका परिवार भी सुखमय होगा, और जो लोग दवा से वंचित रह जाते थे उनको दवाइयाँ मिलेंगी, उनका भी परिवार स्वस्थ और सुखमय होगा। तो अपना उद्देश्य यही है कि जगह जगह हम लोग इसके ब्रांचेस खोलें, बेरोजगार नौजवानों को हम अपने साथ जो है वो जोड़ें और जगह जगह दवाइयों का वितरण करें। जहाँ पे ऐसी स्थिति होती है कि लोग बिल्कुल भी पैसे नहीं दे सकते हैं, वहाँ पे भी हम लोग फ्री कैंप लगाते हैं शरण मेडिकल स्टोर की तरफ से। हम ये इस योजना की शुरुआत आज 7-8 साल पहले किए थे। मेरा बेटा जो है वो इंजीनियरिंग करने के बाद MBA किया, उसके बाद उसको भी हमने अपने इस पूरे कार्यक्रम में जोड़ा, और उसके सहयोग की वजह से आज हम लोगों ने शरण मेडिकल स्टोर के नाम से बहुत सारी जगहों पे इसके ब्रांचेस खोले और बहुत सारे ऐसे परिवार को जोड़ा जिनके यहाँ के नौजवान बच्चे बेरोजगार थे, उनको रोज़गार भी मिला और गरीबों को हमारी सस्ती दवाइयाँ भी मिली। तो अपनी योजना ये है, प्रधानमंत्री जी की जितनी भी योजनाएं हैं, हम लोग चाहते हैं कि हर जागरूक व्यक्ति उनकी योजनाओं पे काम करे, जिसकी वजह से जो भी परेशानियां समाज में व्याप्त हैं उन परेशानियों में कमी आती जाए, और रोज़गार इसी प्रकार से हर क्षेत्र में हर व्यक्ति अगर जुड़ता जाए तो रोज़गार की भी परेशानियां कम हो जाएंगी, क्योंकि लोग जुड़ते जाएंगे, लोग रोज़गार पाते जाएंगे। केवल दवा ही एक माध्यम नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिसमें नौजवान बच्चे टेक्निकल जो लाइन है उसमें भी जुड़े। केवल BA MA कर करके और बेरोजगार घूम रहे हैं, इससे अच्छा टेक्निकल चीज़ें सीखें। दवा की दुकान में जैसे हमारी प्रधानमंत्री जन औषधि है, उसमें टोटल फार्मूले के ऊपर, शार्ट के ऊपर पूरी दवाइयाँ हैं, तो अगर आप उन शार्ट का अच्छे से ज्ञान रखते हैं, सीख जाएंगे, तो आप स्वयं भी अपनी एक ब्रांच खोल सकते हैं। इसके अलावा आप अगर अपनी ब्रांच खोलेंगे तो 2-4 परिवार आपके साथ और जुड़ेगा, और जगह जगह इसका विस्तार से प्रचार प्रसार होगा। तो अपना जो उद्देश्य है वो ये है कि अच्छे से ये सब चीज़ें हों। और सर झांसी में आपकी कहाँ कहाँ ब्रांच हैं और आपसे हम कैसे संपर्क कर सकते हैं? झांसी में हमारी ब्रांच एक तो जिला अस्पताल के ठीक बगल में मिनरवा चौराहे पे शंकर चप्पल के बगल में है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के नाम से। इसके अलावा जिला अस्पताल के बगल में कोतवाली है, उसके ढलान पे वो अपनी शरण मेडिकल स्टोर है, दूसरी ब्रांच। तीसरी ब्रांच हमारी मिनरवा बरुआ सागर में है, और एक ब्रांच हमारी सीपरी बाज़ार में है, जहाँ पे से हम पूरी मॉनिटरिंग करते हैं जितने भी हमारे ब्रांचेस हैं झांसी के। जो हमारा संपर्क सूत्र है और हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो 8707389402 है। इस पे उज्ज्वल शरण सिंह उपलब्ध रहते हैं हर वक्त।
अगर आपको किसी प्रकार की दवा की कोई भी समस्या है तो आपको भरपूर उज्ज्वल शरण सिंह जो हमारे पुत्र हैं वो आपको सहयोग करेंगे और आपकी दवा के समस्या का समाधान तुरंत करेंगे फ़ोन पे ही।